आईपीएल 2024 के 61वें महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद प्लेऑफ का समीकरण हुआ तय। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिली बड़ी खुशखबरी तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगा तगड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 61वें महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और इसी शानदार जीत के बाद अब प्लेऑफ का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, प्लेऑफ का क्या समीकरण रहेगा, कौन सी चार टीमें इस बार प्लेऑफ का मुकाबला खेलने पहुँचेगी, इस मुकाबले के बाद प्लेऑफ का पूरा समीकरण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की दमदार जीत के साथ खुश हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आपकी चार फेवरेट टीमों के बीच क्वालिफाई का मुकाबला देखने को मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस 61वें महामुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के पूरे हाल के बारे में, तो फिलहाल आखिरी पायदान से ही हम बात करें तो आखिरी पायदान पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट -0.423 के साथ इस टीम ने नंबर 10 पर जगह बना रखी है, यानी कि पंजाब किंग्स की टीम के पास अब यहां से 2 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम दोनों मुकाबलों को जीत भी जाती है फिर भी प्ले ऑफ में अपनी जगह नहीं बना सकती है, यानी कि पंजाब किंग्स की टीम इस बार क्वालिफाई के समीकरण से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो पर नंबर 9 पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल के 13 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 9 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट -0.271 के साथ इस टीम ने नंबर 9 पर जगह बना रखी है, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास भी अब यहां से सिर्फ 1 मुकाबला बचा हुआ है। अगर उस मुकाबले को ये टीम जीतती है फिर भी प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना सकती, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम भी इस बार क्वालिफाई के समीकरण से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो पर नंबर 8 पर मौजूद है गुजरात टाइटेंस की टीम, जहाँ पर गुजरात टाइटेंस की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 10 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट -1.063 के साथ इस टीम ने नंबर 8 पर जगह बना रखी है, यानी कि गुजरात टाइटेंस की टीम के पास भी अब यहां से सिर्फ 2 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर यह टीम दोनों मुकाबलों को जीत पाती है फिर भी प्लेऑफ की राह से लगभग बाहर होती हुई दिखेगी, क्योंकि इस टीम की नेट रन रेट इतनी बेहतरीन नहीं है जिससे यह टीम अपने पॉइंट्स बेहतरीन करते हुए नेट रन रेट को बेहतरीन कर पाए। अगर यहां से अगर टॉप 4 टीमें एक भी मुकाबला अब नहीं जीते तो गुजरात टाइटेंस की टीम के यहां से 1% चांस बचते हैं कि यह टीम अब क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो पर नंबर 7 पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जहाँ पर आरसीबी की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 10 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +0.217 के साथ इस टीम ने नंबर 7 पर जगह बना रखी है, यानी कि आरसीबी की टीम के पास अब यहां से 2 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम दोनों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीते और टॉप 4 टीमें यहां से अपना एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए तो ये टीम नेट रन रेट को बेहतरीन करते हुए क्वालिफाई में अपनी जगह बना सकती है। वैसे तो आरसीबी की टीम भी यहाँ से पूरी तरह से बाहर होती हुई दिखेगी, इस टीम के पास भी मात्र 1% ही चांस बचता है कि यह टीम अब क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो पर नंबर 6 पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम, जहां पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 12 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट -0.769 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 6 पर जगह बना रखी है, यानी कि लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के पास भी अब यहाँ से 2 मुकाबले बचे हुए हैं।
अगर यह टीम दोनों मुकाबलों को शानदार तरीके से जीत पाती है तो यह टीम प्लेऑफ में अभी भी अपनी जगह बना सकती है। वैसे तो लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के भी यहां से मात्र 10% चांस बचते हैं कि इस बार यह टीम भी क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो पर नंबर 5 पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 12 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट -0.316 के साथ इस टीम ने नंबर 5 पर जगह बना रखी है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास भी यहां से 2 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम दोनों मुकाबलों को शानदार तरीके से जीत पाती है तो ये टीम अभी भी प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। अगर टॉप 4 टीमें यहां से अपने सभी मुकाबले गंवा दे तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के भी यहां से 10% चांस बचते हैं कि इस बार ये टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो पर टॉप 4 टीमों की हम बात करें तो फिलहाल नंबर 4 पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है, जहाँ पर हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 14 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +0.406 के साथ इस टीम ने नंबर 4 पर जगह बना रखी है, यानी कि हैदराबाद की टीम के पास यहां से 2 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर यहां से यह टीम अपने दोनों मुकाबलों को शानदार तरीके से जीतती है तो यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है। वैसे तो हैदराबाद की टीम के यहां से अब 40% चांस बनते हैं कि इस बार यह टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो पर नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपनी जगह बना ली है, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल के 13 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 14 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +0.691 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 3 पर जगह बना ली है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास यहां से आखिरी एक मुकाबला बचा हुआ है। अगर यह टीम उस मुकाबले को और दमदार तरीके से जीत पाती है तो यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। तो पर टॉप 2 टीमों की हम बात करें तो फिलहाल नंबर 2 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 16 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +0.372 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 2 पर जगह बना रखी है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास अब यहां से 2 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम अपने एक मुकाबले को और शानदार तरीके से जीतती है तो ये टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। वैसे तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के भी यहां से 60% चांस बचते हैं कि ये टीम इस बार क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो पर नंबर 1 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 18 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +1.428 के साथ इस टीम ने नंबर 1 पर जगह बना रखी है, यानी कि क्वालिफाई में पहुंचने वाली पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बन चुकी है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने 2 मुकाबले गंवा भी दे फिर भी यह टीम क्वालिफाई में पहुंच चुकी है, यानी कि राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद की टीमें अभी भी होड़ में मची हुई है कि इन टीमों में से अभी भी यहां पर क्वालिफाई में कौन सी टीम पहुँचेगी। पर दिल्ली और लखनऊ भी इस बार क्वालिफाई में पहुंचने की दावेदार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, लखनऊ और दिल्ली की टीम क्या इस बार क्वालिफाई कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।